गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश एंड हिंदी। और आज मैं आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है द बगलरी एट द विकरेज। विकरेज क्या है, पहले अपन टाइटल पे फोकस करते हैं जैसे अपन हमारी हर वीडियो के अंदर करते हुए आ रहे हैं। तो द बगलरी एट द विकरेज, विकरेज है आपके घर का नाम। किसके घर का नाम, मैंने कैरेक्टर में मेंशन करा है विकार बंटिंग। ये आपका एक नया कैरेक्टर है, नहीं ये आपका पिछले वाले चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई थी। तो इस चैप्टर जो बेस्ड है आपका चैप्टर नंबर 5, वो किस पे बेस्ड है आपका, इस पे बेस्ड है विकार बंटिंग पे, और इसके घर का नाम है विकरेज। तो आपको ये इंसिडेंट आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे पहले क्वेश्चन बन चुका है। सो गाइज, अपन पहले फोकस करते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, फिर अपन इस पूरी स्टोरी को हिंदी के अंदर समझेंगे। सो कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर, तो क्या कैरेक्टर्स है चैप्टर के अंदर, मिस्टर एंड मिसेस विकार बंटिंग, मिस्टर एंड मिसेस विकार बंटिंग, ये है जिसके ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंज मैन, दैट इज योर इनविजिबल मैन। तो मैंने बता दिया था इनके ऊपर तो पूरी नॉवल बेस्ड है आपकी, तो सारे चैप्टर्स इन पे ही होंगे। सो अपन पहले रीड करते हैं कि बोर्ड के ऊपर कौन से पॉइंट लिखे हुए, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या फिर एक ब्रीफ समरी आपके इस चैप्टर की। सो सबसे पहली चीज, विट मंडे, क्या होता है विट मंडे। विट संडे रेफर्स टू द 7th संडे आफ्टर ईस्टर। ईस्टर क्या है, जैसे अपन के यहाँ पे हिंदू के अंदर दिवाली मनाई जाती है या फिर होली, तो उसी तरीके से ईस्टर क्या है, ईस्टर एक ऐसा फेस्टिवल है जो किसके मनाया जाता है, बाहर के लोगों के, या फिर आप बोल सकते हो जो क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, तो ईस्टर इज अ फेस्टिवल, फाइन। सो विट संडे क्या होता है, विट संडे वो संडे, 7th संडे मतलब ईस्टर के बाद जो 7th संडे आता है वो, और उसका नेक्स्ट मतलब फॉलोइंग मंडे, मतलब उस संडे के बाद जो मंडे आता है, ठीक है। आगे, हियर इज द फॉलोइंग मंडे इज बीइंग रेफर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, ही शेड ऑल हिज क्लोथ्स बैंडेजेस गॉगल्स हैट ग्लव्स एंड ब्रोक इन टू द विकर बंटिंग्स हाउस विद इंटेंशन ऑफ रॉबरिंग हिम। सो एक चीज का मतलब समझते हैं, वो है यहाँ पे रॉबरिंग। क्या होती है रॉबरिंग, चोरी चकारी, बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इनविजिबल मैन के पास में सारे पैसे खत्म हो गए और उसके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई जॉब नहीं थी पैसे कमाने के लिए, तो उसके पास में एक ही ऑप्शन था कि वो क्या करे, चोरी करे। तो उसने क्या किया, उसके सारे कपड़े शेड करे, मतलब ही शेड ऑल हिज क्लोथ्स, उसने जितनी बैंडेजेस अपने सर पे लगा रखी थी उसने वो सब उतार दी, और उसके बाद में उसके गॉगल्स, दैट इज योर ब्लू स्पेक्टिकल्स, जो मैंने आपके चैप्टर 1 के अंदर मेंशन किया था, और आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि यही आपके आंसर में आपको लिखनी पड़ेगी। आगे, हैट, हैट मतलब टोपी, ग्लव्स मतलब उसके जो हाथों में वो पहन के रखते हो जिससे उसके हाथ विजिबल दिखे। आगे, ही ब्रोक इन टू द विकर्स बंटिंग हाउस, तो उसने क्या किया, उसकी सारी चीजें उतारी, उसने अपने सारे कपड़े शेड करे, और वो किसके घर में चला गया था, विकर बंटिंग्स हाउस, मतलब ये बहुत पैसे वाला इंसान था जिसके पास बहुत सारा पैसा था, तो ये इसके घर पे चोरी करने चला गया, कौन, द इनविजिबल मैन। आगे बढ़ते हैं अपन, मिसेस बंटिंग्स मतलब, मिसेस बंटिंग मतलब जो उनकी वाइफ थी, फाइन। वोक अप सडनली हियरिंग द बेडरूम डोर ओपन एंड क्लोज, वो फटाफट से उठी क्योंकि उनको ये चीज की आवाज आई थी कि भाई उनके बेडरूम का जो डोर था वो खुला था और वो बंद हुआ था, मतलब किसी ने एंट्री ली थी और उसने वापस से डोर क्लोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ मैन कुडंट बी मिस्टेकन एज द कैंडल बर्निंग ब्राइटली मनी वाज आल्सो डिसअपीयर्ड। उन दोनों को, मिस्टर और मिसेस विकार बंटिंग को, ये चीज तो पता थी कि भाई हमारे घर के अंदर कोई आया है क्योंकि उनको किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंस फील हुई थी। देखो बच्चों, ये अपन का ह्यूमन सेंस होता है कि अगर कोई और भी इंसान हमारे अलावा इस रूम में है तो वी कैन फील इट। सो उसी तरीके से जो ये दोनों जले थे, बहुत ही क्या बोलूं मैं, ठीक है, तो इन लोग को भी फील हुआ कि इनके घर में कोई है लेकिन इनको कोई दिखा नहीं, क्योंकि वो कैसा था, इनविजिबल मैन, मतलब वो विजिबल नहीं था, वो दिख नहीं सकता था। सो उन लोग के पैसे, उन लोग के जो गोल्ड था, उनका पैसा था, वो सब कुछ भी गायब था, मतलब दे वर श्योर कि भाई उनके घर के अंदर चोरी हुई है, पर उनको ये नहीं पता था कि चोरी की किसने या चोरी कहाँ हुई है या कब हुई है, फाइन। लास्ट पॉइंट, दे स्टूड बंटिंग फैमिली रेस्ट वंडरिंग एट द इवेंट ऑफ द डॉन। डॉन का मतलब होता है आपकी अर्ली मॉर्निंग, ये कुछ रात के टाइम की बात थी, रात के टाइम की बात मतलब
कुछ रात में इनविजिबल मैन ने सोचा कि ठीक है ये रात का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं जाके वहां पे जाके चोरी करता हूँ। ठीक, तो हुआ क्या कि रात के टाइम पे जब उन लोग को पता पड़ा कि उनके घर में चोरी भी हुई है और कोई मेन गेट से बाहर भी निकला है, तो वो लोग मेन गेट पे जाके खड़े हो गए और उन्होंने मेन गेट पे क्या देखा कि कोई भी नहीं था और वो लोग अपने नाइट ड्रेस के अंदर, रात के कपड़ों के अंदर, रात के 4 बजे गेट के बाहर खड़े थे। देयर वॉज नो पॉइंट। फाइन, सो ये है आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके चैप्टर नंबर 5 का, द बगलरी एट द विकरेज। फाइन गाइज, अब आ जाओ जैसा हम हमारी हर वीडियो के अंदर करते हैं, अपन इस चैप्टर को अपनी देसी भाषा दैट इज योर हिंदी के अंदर अपन समझेंगे। क्या हुआ, अब मिसेस हॉल को ये चीज तो थी क्योंकि इनविजिबल मैन का लगे जा चुका था, उसको एक्सपेरिमेंट्स करने थे, उसको उसके कोच एंड हॉर्सेस के बिल्स भी पे करने थे, मतलब उनको पैसे भी उसको पे करने थे। तो अब उसके दिमाग में ये चीज आई कि यार मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है, मतलब मेरी सारी मनी खत्म हो गई है, सो मैं क्या करूं कि मेरे को पैसे मिल जाए। उसको ये चीज पता थी कि ये जो इंसान है आईपिंग के अंदर वो बहुत अमीर है। ठीक है, मैंने मेंशन करा था पहले आपके चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको कैरेक्टर स्केच आना चाहिए कि ये कैसा इंसान था। ठीक, आपको स्टेज मैन का कैरेक्टर स्केच भी आना चाहिए, तो मतलब आपको कैरेक्टर स्केच पता होना चाहिए मिस्टर हॉल का, मिसेज हॉल का, या बाकी किसी कैरेक्टर का अगर आपका आ जाए तो। ठीक है गाइज, सो क्या हुआ, अब इनविजिबल मैन ने सोचा कि मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। ठीक है, तो अब उसको चीजें लाने के लिए पैसा इज द क्या कहते हैं मैंडेटरी थिंग, बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, पैसे के बिना कौन क्या ही कर लेगा। ठीक है, सो उसने बोला कि अब मुझे पैसा चाहिए, तो उसने बोला कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। तो उसके पास एक ही चीज थी कि जैसा वो इनविजिबल था, वो दिख नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे कपड़े शेड करे, अपने गॉगल्स, अपनी बैंडेजेस कहाँ रख दी, अपने कोचिंग हॉर्सेस के रूम में, और रात को वो निकल गया कहां पे, विकार बंटिंग के घर पे चोरी करने। जब वो वहां पे चोरी करने पहुंचा तो सबसे पहले वो जिस रूम के अंदर पहुंचा, दैट वाज देयर बेडरूम, उनके बेडरूम के अंदर पहुंचा, क्योंकि सब जने अपना पैसा अपनी अलमारियों के अंदर ही दबा के रखता है। ठीक, तो उसको पता था कि पैसा कहाँ होगा, तो सबसे पहले जिसने उसकी आवाज सुनी वो थी मिसेस विकार बंटिंग। उनको ये चीज पता पड़ गई थी विकार बंटिंग की वाइफ को कि मेरे रूम के अंदर किसी और की प्रेजेंस मैं फील कर सकती हूँ, कोई मेरे रूम के अंदर आया है और उसने फिर से गेट बंद करा, बट शी वॉज नॉट एबल टू सी समवन, वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी कि वहां पे कोई और है, कहाँ है, या वो दिख क्यों नहीं रहा है अगर कोई और है तो। उसके बाद उसने अपने हस्बैंड को उठाया, ठीक है, कि भाई उठो कोई है हमारे घर में चोरी करने आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनको दोनों को, विकार बंटिंग को, उसके स्टडी रूम से, कि जहां पे वो बैठ के अपनी स्टडी या अपने ऑफिस का काम करता है, वहां से एक अचानक से एक आवाज आती है, वो थी करेंसी की आवाज, पैसों की आवाज आती है कि कुछ पैसे गायब हुए। ठीक है, और उसके बाद में ये चीज होती है कि विकार फटाफट से जाता है अपने स्टडी रूम के अंदर देखने के अंदर कि कौन है कौन नहीं है। उनको किसी की स्नीज सुनाई दी, स्नीज क्या होती है, किसी के खांसने की आवाज। ठीक है, कोई खास रहा था उनकी दोनों के अलावा, क्योंकि वो दोनों नहीं खास रहे थे, और वो ये चीज सेल्फ अंडरस्टूड है कि उनको ये चीज पता पड़ गई कि भाई कोई और है रूम में, बट वो लोग उसको नहीं देख पा रहे थे। वो दोनों बहुत फनीली पूरे घर में जाके उन्होंने ढूंढ लिया एक इंसान जहां पे छुप सकता है, ऐसी सारी जगह उन्होंने देख ली, लेकिन उनको उनके पूरे घर के अंदर कोई भी नहीं दिखा था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि एक कैंडल की जलने की, मतलब एक मैच स्टिक की जलने की आवाज आती है, माचिस की जलने की आवाज आती है, और उस माचिस से क्या जलती है, एक कैंडल, मतलब इनविजिबल मैन भी एक नॉर्मल इंसान है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी एक नॉर्मल इंसान है जिसको क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसको लाइट की जरूरत है देखने के लिए, जैसे अपन सबको जरूरत होती है। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने एक कैंडल जलाई। अब इन दोनों का अटेंशन वहीं पे पहुंच गया कि भाई किसी ने कैंडल जलाई है, बट हमें दिख नहीं रहा कि वो कैंडल जलाई किसने। ठीक है, तो उन लोग को एक कैंडल दिखी थी टेबल के ऊपर जलती हुई, और उनको ये चीज पता था कि हमारे सारे पैसे गायब हो गए, हमारा सारा गोल्ड गायब हो गया, बट हमें कोई दिख नहीं रहा। और ये चीज तो बिल्कुल श्योर थी कि उनके घर में चोरी हुई है, ऐसा नहीं था कि कोई थर्ड पावर थी या कुछ और चीज थी, क्योंकि 3 चीजों के कारण, पहली चीज थी आपकी उनको स्नीज हेयर हुई थी, दूसरी चीज थी कि उनके बेडरूम के डोर ओपन क्लोज की आवाज आई थी, तीसरी चीज थी कि उनकी सारी करेंसी गायब थी। ठीक है, तो ये चीज तो उनको बिल्कुल श्योर थी कि उनके घर में बढ़िया वाली चोरी हुई है, एकदम शानदार वाली। ठीक है,
लेकिन जब रात को उसके बाद में जो इनविजिबल मैन था वो मेन गेट से उनके साथ चोरी करके भाग गया, तो वो लोग भी मेन गेट पे खड़े थे रात के कपड़े पहन के, फनीली ड्रेस, और वो लोग ये सोच रहे थे कि भाई आखिर है कौन जो हमारे सारे पैसे ले गया और वो पिछले इतनी देर से हमें दिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर नॉवेल द इनविजिबल मैन, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपको कैरेक्टर स्केच सबका आना चाहिए, कि जितने भी नए कैरेक्टर्स हैं, मैं मेरी वीडियो के अंदर एक अलग सेक्शन बना के आपको कैरेक्टर्स बता रही हूँ। इसका मोटिव ये है कि आपको पता होने चाहिए कि नॉवेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, और ये वाला इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द बगलरी एट द विक्रेज, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइज प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।